ओम अज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, नारद जी समझा रहे थे कि जब तक हमारे सूक्ष्म शरीर में जब तक इच्छाओं के भंडार बने हुए हैं तब तक हमें आगे के शरीर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारी इच्छाएं हैं भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट बनाई है, इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें अनेकों प्रकार के शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। इच्छा की पूर्ति केवल मन से नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपके मन के अंदर में इच्छा है, आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं, तो केवल मन की इच्छा मात्र के द्वारा आपको संतुष्टि नहीं हो जाएगी। जब आप शरीर के द्वारा रसगुल्ला खाएंगे तब जाकर के आपके मन को संतुष्टि होगी। तो इसी प्रकार से क्योंकि जीव के मन के अंदर में इच्छाओं का भंडार लगा हुआ है, उसके कारण उसे अनेकों प्रकार के शरीर माया प्रदान करती है कर्म के अनुसार, जैसे हमने कर्म किए। तो ये संदर्भ आया था। अब ये हम लोग सोच सकते हैं, एक विचार हमारे मन में आ सकता है कि भाई अगर इच्छाओं का भंडार है हमारे मन के अंदर में, ये सारी इच्छाएं जो है छिपी हुई है मन के अंदर में, तो फिर इनसे छुटकारा पाने के लिए भी हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके कारण बहुत सारे शरीर हमें जो है मिलेंगे, तब जाकर के हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो मन में ये भी विचार आ सकता है कि अगर हमें इन इच्छाओं से छुटकारा लेना है तो क्या बहुत सारे जन्म हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इस विषय में नारद जी बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ बताते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजा, जब व्यक्ति का मन कृष्ण भावनामृत हो जाता है, कृष्ण की भावनाओं में डूब जाता है, तो उसकी सारी इच्छाएं उसको एक साथ में दिखाई देती हैं। ये बड़ा अद्भुत है। देखिए, हमारी तो हजारों 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 बहुत सारी इच्छाएं हैं, इसलिए हमें अनेकों प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा से ये सारा स्टॉक, ये सारा भंडार हमें एक साथ दिखाई दे जाता है। और नारद जी देखिए क्या उदाहरण बता रहे हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान की कृपा से भगवान का भक्त
इतने सारे ब्रह्मांडों को एक साथ में देख सकता है। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण की कृपा से भगवान के मुख में सारे ब्रह्मांड को एक ही जगह पर देख लिया। तो संभव है ना? सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो सारे ब्रह्मांड को हम एक जगह देख सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान की कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारी सारी इच्छाएं जितनी भी हैं, बहुत सारे जन्मों की, जन्म जन्मों की जो इच्छाएं हैं, अब इन इच्छाओं के कारण आगे के शरीर तैयार होते रहते हैं, तो ये सारे के सारे स्टॉक को हम एक साथ देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण नारद जी देते हैं, वो कहते हैं कि कई बार जनरली तो राहु जो प्लैनेट है, जो राहु ग्रह है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रमा जब घट जाता है, कुछ चंद्रमा का भाग अंधकार से भर जाता है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा उसके अंतर्गत से ये बताया है कि मानो ये चंद्रमा है और ये राहु है, ये राहु दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है, तो राहु जब चंद्रमा को ढक लेता है तो उतना पोर्शन चंद्रमा का काला दिखता है। आज की साइंस कुछ और कहती है, लेकिन हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के अनुसार इस प्रकार से होता है कि राहु जो है, जो दिखाई नहीं देता है, वो जब चंद्रमा को ढक लेता है तो चंद्रमा, उतना भाग चंद्रमा का काला दिखता है। लेकिन कई बार राहु ग्रह भी दिखाई दे जाता है जब पूर्ण रूप से चंद्रमा रहता है, तब कई बार राहु ग्रह दिखाई दे जाता है। मतलब जनरली नहीं दिखता है, लेकिन कई विशेष परिस्थितियों में दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार से जनरली आम तौर पर हम अपनी इच्छाओं को एक साथ नहीं देख सकते हैं। बहुत सारी इच्छाएं बंद पड़ी हैं डब्बे के अंदर में, दिखाई नहीं दे रही हैं। कई बार हमने देखा है ना, कुछ इच्छा आ जाती है मन के अंदर में, अरे ये तो मैंने कभी इस प्रकार की इच्छा नहीं की थी, लेकिन सडनली आ जाती है, अचानक आ जाती है। मतलब ये अंदर पड़ी है, सब कॉन्शियस माइंड को कहते हैं ना, उसके अंदर में ये इच्छाएं हैं, और जब अपॉर्चुनिटी आती है, जब अवसर आता है, तो ये बाहर आ जाती है। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि एक तो नारद जी जो हैं उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भगवान के लिए कुछ कठिन नहीं है, वो सारे के सारे ब्रह्मांड को एक साथ ला सकते हैं अपने भक्त के लिए, और जिस प्रकार से कभी कभी राहु ग्रह जो है दिखाई दे जाता है, भगवान की कृपा से भगवान का भक्त अपनी सारी छुपी हुई इच्छाओं को एक साथ देख सकता है। अब इससे फायदा क्या हो? हम पूछेंगे कि भाई नारद जी बता रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को एक साथ देख सकता है, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि भगवान की कृपा से जब भक्त अपनी सारी इच्छाओं को एक साथ देख सकता है, तो भगवान की कृपा से इन सारी इच्छाओं का निवारण भी कर सकता है, इन सारी इच्छाओं को जला करके राख कर सकता है। ये ब्रह्म संहिता में, ये भागवत में इसका वर्णन दिया है। ब्रह्म संहिता में देखिए क्या कहा है, उसमें कहा है
यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम, मतलब एक इंद्र गोप होता है, इंद्र गोप का मतलब होता है संस्कृत में एक छोटा सा कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, उसको इंद्र गोप कहते हैं। और महेंद्र होता है, राजा इंद्र को महेंद्र कहते हैं, जो स्वर्ग का राजा है। तो इस श्लोक में, ब्रह्मा संहिता के श्लोक में बताया है, यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानु, चाहे वो छोटा सा कीड़ा क्यों ना हो या फिर स्वर्ग लोक का राजा इंद्र क्यों ना हो, दोनों को इंद्र कहते हैं, एक को इंद्र गोप एक को महेंद्र। तो दोनों के दोनों अपने अपने कर्म में बंधे हुए हैं, बंधानुरूप, और कर्म में बंधे होने के कारण उनको अपने जो भी उन्होंने इच्छाएं की हैं, जो भी कर्म किए हैं, उनके फलों को भोगना पड़ता है। एक कीड़े को भी भोगना पड़ता है, स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को भी भोगना पड़ता है, जो भी हमने अपने अपने कर्म किए हैं। ऐसा नहीं है कि इंद्र लोक में अगर मैं इंद्र बन जाऊं तो मेरे कर्म जो है बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, फिर भी हमें अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है। लेकिन ब्रह्म संहिता में आगे कहा है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भगवान की भक्ति में अगर कोई मन लगाता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, कर्माणि निर्दहति, उसके सारे कर्म जल करके राख हो जाते हैं। हमारी सारी इच्छाएं जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं सब जल करके राख हो जाते हैं। केवल कर्म नहीं, कर्म के बीज, कर्म के बीज कौन है? इच्छा। बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं करता है, इच्छा के कारण ही हम लोग अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। मतलब बीज क्या है? अगर पेड़ लगता है तो बिना बीज के नहीं आता है, बीज है, धीरे धीरे फ्रक्टिफाई होता है, अंकुरित होता है, बाद में वो पेड़ बनता है। इसी प्रकार से मन के अंदर में इच्छाएं होती हैं, वो धीरे धीरे फ्रक्टिफाई होती हैं, धीरे धीरे अंकुरित होती हैं, और उसके कारण उनके फलों को हमें भोगना पड़ता है। तो उसके फल स्वरूप हमें अनेकों प्रकार की देह की प्राप्ति होती है, अनेकों प्रकार के ग्रहों में, ब्रह्मांडों में हमें घूमना पड़ता है। तो नारद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से भगवान का भक्त एक साथ में अपनी सारी इच्छाओं को देख सकता है, और भगवान की कृपा से ये सारी इच्छाएं जल करके राख हो सकती हैं। क्या फायदा होगा? अगर हमारी इच्छाएं जल करके राख हो गई, वो बीज के बराबर है ना, अगर बीज जल गया तो क्या पेड़ उगेगा? आप ट्राई कर सकते हैं, आप कुछ गेहूं लीजिए, गेहूं के दाने या फिर चावल के दाने, धान बोलते हैं ना, जो खाने वाला चावल नहीं, जब उसके ऊपर छिलका होता है, आप उसको पानी में डालिए, आप उसको जमीन में डालिए, थोड़े दिन के बाद में अंकुरित हो जाता है, फ्रक्टिफाई हो जाता है, थोड़े दिन में छोटा सा पौधा निकलेगा, बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा अगर आप उसमें पानी डालेंगे। तो मान लीजिए कि आप एक कढ़ाई लीजिए, एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में ये बीज डाल दीजिए, ये चावल के बीज, ये अनाज के बीज, और नीचे से आग लगा दीजिए। अब इन बीजों को आप फ्राई कर दीजिए, बाद में आप इन बीजों को जमीन में लगाइए और पानी डालिए, क्या उसमें से फल फूल पेड़ निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि उस बीज की पोटेंसी शक्ति खत्म हो गई है। जो उसके अंदर में शक्ति थी एक पेड़ पैदा करने की, अंकुर देने की, वो खत्म हो गई है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में
शुद्धता से निष्ठा के साथ में लगा हुआ है। तो ये सारी जो हमारी अभिलाषाएं हैं, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, जो बीज के रूप में हैं, ये जल करके राख हो जाती है। तो ये जल करके राख हो गई तो आगे अंकुरित ही नहीं होंगी। इच्छाएं थी उसके कारण तो हमें अनेकों प्रकार के शरीर लेने पड़ेंगे। अब इच्छा रहित हो गए, ये सारी अन्य इच्छाएं, भगवान की इच्छा अलग बात है, भगवान की भक्ति की इच्छा अलग है। इसलिए भक्ति का मतलब देखिए क्या है, सारी इच्छा जीरो नहीं करनी है, ये गलत है। सारी इच्छा हमको जीरो करनी है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं को, ज्ञान की अभिलाषा कि मुझे भगवान के साथ में विलीन हो जाना है, मैं भगवान में एक दिन मिल जाऊंगा, मैं ही भगवान बन जाऊंगा, ये सारी इच्छाएं, कर्म की इच्छा, कर्म करके अनेकों प्रकार के फल भोगने हैं, इन इच्छाओं को जीरो करना है, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और जो भगवान के अनुकूल इच्छाएं हैं उनको करना है। उदाहरण के तौर पर अर्जुन ने अपनी सारी इच्छाओं को जीरो नहीं किया, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। भगवान से कहा, भगवान आप चाहते हैं युद्ध करूं, मैं युद्ध जरूर करूंगा। पहले तो बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनी अलग इच्छा थी। तो वो सारी इच्छाओं को उन्होंने जला करके राख कर दिया। जो इच्छाएं भगवान के अनुकूल हैं वही इच्छाएं हमें करनी है, तब क्या होगा, उसके फल स्वरूप आगे हमें भौतिक संसार में दोबारा अनेकों प्रकार के शरीर नहीं मिलेंगे। इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं नहीं रहेंगी तो भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक इच्छाएं मात्र रह गई तो क्या होगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। भगवत धाम में वापस जाने के बाद आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी, उस शरीर के साथ हम भगवान की सेवा निरंतर कर पाएंगे, ये नारद जी बता रहे हैं। तो इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं कि एक साथ में इकट्ठी अपनी सारी इच्छाओं को देख सकता है और भगवान की कृपा से सब नष्ट कर सकता है, ये भगवान की भक्ति का मतलब है। आगे अब नारद जी क्या बताएंगे इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।